अपने स्वास्थ्य से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। अभी प्राणायाम करेंगे, उंगलियों से कान को बंद कर देंगे, तीन उंगलियों से आंखों को ढकेंगे, नासिका के मध्य में थोड़ा सा दबाव डालेंगे और 7 बार प्राणायाम प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। सिर में एक वाइब्रेशन होना चाहिए आपका। जो लोग को सर दर्द करता हो, माइग्रेन से पीड़ित हो, उनको बहुत ही अच्छा है, एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हाथों को बंद ही रखना है, दोनों हाथों को नीचे लेकर के आ जाए ध्यान मुद्रा में और लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 7 बार। प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए, कुंडली जागरण के लिए, हर तरह के असाध्य रोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। तो आप लोग ध्यान को एकाग्र कर दें, अपने श्वासों पे ही ध्यान को टिका करके रखें और ओम का उच्चारण करते रहें। लीजिए हाथों का दर्शन कीजिए, दुनिया जब गर्म हो जाए आपकी, अपनी अपनी आंखों पे लगाइए,
पे हाथ धोएंगे, जल चढ़ाएंगे, आपके दिल से और अपने अपने माता पिता गुरुजन को प्रणाम करें, जोर जोर से ताली वादन करें। गले से पूरा आवाज होना चाहिए, नजर बिल्कुल सामने, शेर के जैसा दहाड़ना है। करेंगे बाकी चीज में कटौती कर देते हैं, ये गले से जुड़ी हुई तमाम रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। अब हम लोग हंसेंगे, तीन प्रकार की हंसी, और तीन प्रकार की हंसी होगी। एक बार में दांत नहीं दिखना चाहिए, और दो बार में दांत दिखेगा, और दो बार पूरा मुंह खोल करके हंसेंगे। स्टार्ट। जिन लोगों पे हंसी नहीं आती है मेरे को देखे हंसे। Heh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